नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की कि जो विषय का सवाल हम लोग तलाशते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता और जवाब स्वयं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में होता है। हम लोग बात करेंगे कि जब हम अस्वस्थ होने की तरफ अग्रसर हों, बढ़ रहे हों, शुरुआत हुई हो, उस समय अपने शरीर के इशारों से हम कैसे पहचान लें कि हम आगे अस्वस्थ होने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है साथियों। एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाना चाहूँगा। नॉर्मली देखा गया है, जब हम लोग को बुखार आने वाला होता है, फीवर आने वाला होता है या कोई बहुत सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन होने वाला होता है तो गले में खराश शुरू होती है। हम सबके होती होगी, लेकिन यही खराश आगे चल के बहुत विकराल रूप ले लेती है। तो अगर हम अपने शरीर के सिग्नल को यहीं पे समझ जाएं कि हमें सोर थ्रोट हो रही है तो हमको कोई ना कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम लाइक वाइज उसका निदान करके और अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ला के उस समस्या को वहीं पर ठीक कर सकते हैं। ये बात हर बीमारी पे लागू नहीं है। कुछ बीमारी होती है जो एक्सोजीनस होती है, जो आपको अचानक आती है, आप नहीं कर सकते, लेकिन 90% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए आप स्वयं में कुछ कर सकते हैं, शरीर आपको इशारा करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी विषय में कि कैसे हम अपने शरीर के इस इशारे को समझकर अपने को बेहतर रख पाएँ, अपने मेहनत के पैसे को हम बचा पाएँ। और यह बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीमारियों का एकदम से भूचाल आ गया है, परेशानियों का भूचाल इस दुनिया में आ गया है। सन 2020 पता नहीं क्या क्या करा के जाए, किसी को नहीं पता, वो हालात पैदा हो रहे हैं। कल की ही बात है, अपने 20 भारतीय सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो गए, चाइना लद्दाख बॉर्डर पे शहीद हो गए। अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का देखा कि कैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो तमाम मानसिक स्थितियाँ इस दौर में परिवर्तित हो रही है, तमाम बीमारियाँ आ रही हैं, तमाम कोरोना हम सबके सामने है कि कोई सोचा नहीं था कि 3 महीने 4 महीने के लिए पूरी दुनिया रुक जाएगी। कोई सोचा था फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, कोई सोचा था ट्रेनें बंद हो जाएंगी, कोई सोचेगा कि कर्फ्यू 3 महीने का कर्फ्यू लग जाएगा देश में और आगे भी लगने की सुगबुगाहट है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये परिस्थितियाँ हैं जो तकलीफदेह हैं, हमको इसका जो है वह अभी से इस पे सजग हो जाना है। शरीर की डायनामिक्स को समझने के लिए हमको 5 जो एनर्जी यूनिवर्स में फ्लो करती है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। 5 एनर्जीज हम सब जो जानते हैं इस यूनिवर्स में फ्लो करती हैं, वह अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस और फायर। यह जो 5 तत्व होते हैं, इन्हीं का जो इंटरचेंज एनर्जीज का होता है, यही हमारा शरीर होता है। हम स्पेस से एक आकार लेके इस धरती पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं और फिर एक आत्मा के रूप में वापस इससे स्पेस में चले जाते हैं। ये एक फैक्ट है, मतलब ये प्रोवन फैक्ट है कि सोल को लोगों ने प्रूव करा है कि वो एग्जिस्ट करती है। बहरहाल, तो यह जो इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा, फ्लो हो रहा है, जिससे हमारा बॉडी बन रहा है, फिर उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ ही आपको इशारा अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने अस्वस्थ होने से पहले स्वयं को जान लेंगे कि आपको क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा एक आयुर्वेद में इसके लिए कंसेप्ट है, इसको कि हम लोग वात, पित्त और कफ कहते हैं। वात साथियों, वह एनर्जी होती है जो एयर एंड स्पेस की होती है। एयर और स्पेस का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, वो सब चीज़ें होती है, डकारें आती हैं, उस तरह का जो स्पेस रिलेटेड, जो गैसेस रिलेटेड दिक्कतें होती है, वो आपका वात का डिरेंजमेंट होता है। पित्त का डिरेंजमेंट उस स्थिति में होता है जब आपको बर्निंग होती है, किसी भी तरह की जलन होती है, चाहे वो सीने की जलन हो, चाहे वो शरीर में जलन हो, किसी तरह की जलन हो, या फूड बहुत तेज एब्जॉर्ब हो रहा हो। और तीसरा जो कफ होता है वो होता है स्लो, बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो जो आपका शरीर बना होता है वो जब स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, तो वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस बात से कि जब आपके शरीर में कोई भी ख़राब सिग्नल आता है, जैसे कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको वीकनेस आ रही है, आपको डलनेस आ रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके गले में दर्द हो रहा है, आपके कान में दर्द हो रहा है,
कहीं कोई समस्या हो रही है तो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों एनर्जीज का जो कॉम्बिनेशन होता है इसका डिरेलमेंट होता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके अपना जो रूटीन है डेली उसको ठीक करके अपने को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप अपने पे ध्यान दें। शरीर एक सुगबुगाहट करता है आपके लिए, लेकिन आप उस सुगबुगाहट को समझ पाएं ये आपकी काबिलियत है। और आप समझ लेंगे तो आधा इलाज तो हो गया और आधा इलाज आप स्वयं को मैनेज करके या किसी डॉक्टर की राय लेके कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने शरीर में जब भी कोई दिक्कत महसूस हो तो एक बार आपको उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, और यह ही उसका उपाय है। आप इस समस्या को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने शरीर को सुनना सीखें, थोड़ा सा अपने जीवन को स्लो करें, थोड़ा सा अपने जीवन को सहूलियत में लाएं। आप इस दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, जितना लोग दौड़ने वाले हैं उनका क्या हाल हो रहा है। तो अपने जीवन को सहूलियत में लाएं, अपने शरीर का इशारा समझे। पहले वो आपको इशारा करेगा, आप नहीं समझेंगे तो वो चिल्लाने लगेगा, चिल्लाने में आएंगी आपको बीमारियां। फास्टिंग यानी व्रत का सहारा लें, डाइट को बैलेंस रखें, आपकी सारी समस्या धीरे धीरे निदान होंगी। ये साथियों एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन यह बात ये सिर्फ आपको बताने के लिए थे कि आपका शरीर ही आपको इशारा करता, वही आपका गाइड है कि आप उसके इशारे को समझ के ठीक हो जाए। कोई भी दिक्कत हो तो कोई कुशल चिकित्सक की राय भी अवश्य लें। मन में आपके कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। ये छोटा सा वीडियो साथियों, लेकिन इसमें बात एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आपको अपने शरीर के इशारों को समझ के उस पर एक्शन लेना है। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।